नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक ट्राला चालक का अपहरण करने के आरोप में तीन सैनिकों को किया गिरफ्तार। सीआईए स्टाफ जालंधर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 25 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर के गांव रेरू के नजदीक एक बेकाबू कार ट्रक से टकराने के बाद फुटपाथ पर बनी रेलिंग से टकराई, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के थाना सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय सेना के तीन सैनिकों को ट्राला चालक बोहड़ सिंह निवासी राय सिंह नगर गंगानगर को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की पहचान हरिमुन, अमर सिंह और शैलेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों पर अगवा करने और फिरौती मांगने के आरोप में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दर्ज करवाए बयान में ट्राला चालक बोहड़ सिंह ने बताया कि वह संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी संगरिया हनुमानगढ़ के ट्राले पर बतौर ड्राइवर काम करता है। 28 नवंबर को जब वह जगराव में अपना सीमेंट से भरा ट्राला खाली कर रात के समय वापिस आ रहा था, तो जब वह बठिंडा के बाईपास पर होटल स्पायर के नजदीक पहुंचा तो उसके ट्राले का पिछला भाग एक कार से टकरा गया, जिसके बाद कार चालकों ने कार आगे लगाकर उसका ट्राला रोक लिया। कार से निकले तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे अगवा कर अपनी कार में डाल लिया। उसने बताया कि तीनों आरोपी कार में उसे अपने आप को फौजी बता रहे थे और उसके साथ मारपीट कर रहे थे, लेकिन कार में जो दो महिलाएं मौजूद थीं वह तीनों फौजियों को उसके साथ मारपीट करने से रोक रही थी। उसने बताया कि आरोपियों ने उसके मोबाइल फ़ोन के जरिए उसकी कंपनी के मालिक एवं मुनीम को फ़ोन कर कहा कि वह उनके चालक को अपने साथ ले गए हैं, अगर वह वापस चाहिए तो 50,000 रुपये लेकर आएं। और जब उसकी कंपनी के मालिक और पुलिस पहुंची तो आरोपी उसे अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं इंस्पेक्टर यादविंदर, SHO सिविल लाइन्स बठिंडा। मिति 28/11/22 की रात को स्फायर होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, जिसे एक ट्रक घोड़ा तो एक गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। जिहड़ी गड्डी विच सवार तीन फौजी जवान सन, जिन्होंने ट्रक के जो ड्राइवर से उन्होंने उतों किडनैप कर लिया तो उन्होंने फिरोजपुर लै गए। फिरोजपुर लजा के उन्होंने कुटमार की, तो वो 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे सन। रेगूलरली फोन तो वो मालक न रिश्तेदार कॉल करके पैसे की डिमांड कर रहे सन, जिससे असी तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया अंडर सैक्शन 365-384। जदों ही तो उस तो बाद असी कामयाब होए हैं तिना ही दोषियों को अरैसट करने के। एक गोनियाना दे आस रोड गोनियान तो अगे थोड़ा जाके जी असी रोड तो इन्हों काबू करने कामयाब होए। ये तीनों जी आर्मी के जवान हैं, तो अगे इन्हों की पुछ पड़ताल चल रही है। पहला इन्हों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ज किस तरह के भर्ती हुए, की इन्हों गतिविधियां हैं। आपस में रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक जो हनुमान हरिमान हैगा, हरिमान दूसरे लोगों का जीजा है जी। सीआईए स्टाफ की पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सीआईए स्टाफ के SI अशोक कुमार की योग्य अगुवाई में नकोदर रोड पर स्थित लायरपुर खालसा स्कूल के नजदीक संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान तालिब अली निवासी पंचपीर जालंधर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। CIA की टीम ने लायरपुर खालसा स्कूल लागे नाका लगाया हुआ सी, एक व्यक्ति नू शक्ति हालत विच देखिया, जिसने अपना नाम तालिब अली पुत्र शराफत अली वासी पंजपीर दस्या, जिस दी तलाशी करते उस पासों 25 ग्राम हिरन बरामद हुई है, जिसनू पेश अदालत करके एक दिन का रिमांड हासिल किया गया है, जिसते मुकदमा नंबर 184/21-85 NDPF तहत थाना भार्ग कैंप दर्ज किया गया। इस दे रिमांड दौरान फारवर्ड ते बैकवर्ड लिंक पता किए जाएंगे।
जालंधर से पठानकोट हाईवे पर गांव रेरू के नजदीक एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के बाद फुटपाथ पर बनी रेलिंग से जा टकराई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कार ट्रक और फुटपाथ की रेलिंग से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक लुधियाना निवासी डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि वह पठानकोट की तरफ जा रहे थे। जब वह गांव रेरू के पास पहुंचे तो अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक चालक ने बताया कि वह सामान लेकर जम्मू की तरफ जा रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद कार फुटपाथ पर बनी रेलिंग से टकरा गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं अपनी साइड से कर रहा था, वो मैडम आ गई उस रॉन्ग साइड से, उसको हाथ भी दिखाया मगर नहीं रुकी। मेरी स्पीड थी 30-35। वो इस साइड आई तो उसे कलेक्टर साइड अपना हैंड ब्रेक उठाया, वो गाड़ी ऐसे आ गई वो ड्राइवर साइड चली गई। फिर बार बार बची अब बोल रहे हैं 1,00,000 दे दो। बोला मैडम रॉन्ग साइड है, मैडम बोल रही है मेरी गलती है, मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मैडम का दूसरा जो पति है क्या है वो बोल रहा है 1,00,000 दे दो, मैं कहाँ से लाऊँगा, गलती उनकी है मैं कहाँ से दूँगा। कहाँ से आयो, कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, श्रीनगर जाना है। श्रीनगर जाना, हाँ। डिफेंस का माल है, आर्मी का माल है, बॉर्डर का माल है। अच्छा, हाँ। तो अब पुलिस वालों से बात हुई? पुलिस वाले से बाद में मेरी फाइल लेके गए और लाइसेंस लेके गए। जालंधर के सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस मुलाजिम को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारा जा रहा है। बता दें कि सिविल अस्पताल में तैनात पंजाब पुलिस के होमगार्ड रवि पाल से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी निर्मल सिंह ने बताया कि यह मामला 28 नवंबर की रात का है, जिसमें सिविल अस्पताल में तैनात होमगार्ड रवि पाल के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस मुलाजिम ने थाना 4 में दे दी है। अभी उसे बुलाया गया है, उसके बयानों के आधार पर आगे की बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਵੀ ਪਾਲ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਵੀ ਪਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਵੀ ਪਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੋ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਥ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਮੇਂ ਉਸੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਮੇਂ ਦਸਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗਾਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਲਹਿਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਜਵਿੰਦਪੁਰਾ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਬਖੋਰਾ ਖੁਰਦ, ਬਖੋਰਾ ਕਲਾਂ, ਦੇਲਾ ਸਿੰਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਮੂਨਕ, ਪਾਪੜਾ, ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਭਾਠੂਆਂ, ਭਟਾਲ, ਕਾਲ ਮਜਾਰਾ, ਢੀਂਡਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100-100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣ। ਅਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000-1200 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 200-300 ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਕਾਮ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਕੇ ਸਾਥ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਲਰ, ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, 40 ਖੂਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ 40 ਖੂਹ ਪਰ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਆਯੂ ਵਰਗ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਤੇ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਟਰੈਕ ਕੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟਰੈਕ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
अगर दीवार कर रास्ता बंद कर दिया तो उक्त सभी इलाका निवासी शहर के इस तरफ आने के लिए कोई भी रास्ता उनके लिए नहीं बचेगा, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि नहीं आ पाएगी। इसके अलावा जो बच्चे जोड़ा फाटक पार कर स्कूल जाते हैं उनका स्कूल भी छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस दीवार के काम को तुरंत बंद करवाया जाना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रात जेड़ा इस वेले ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨੰਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੂਲ ਕਲਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਗਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਉਧਰ ਓਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਚੌਂਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਧ ਹੋਣ ਲਈ ਆ कंध हो भी गई इन शरिया मटावे क्योंकि जे ये रास्ता ना खोलिया गया इस पब्लिक नू सब्जी मंडी वल्ला मैता रोड कृष्ण नगर सारी को रिश्तेदारी इधर उधर जे सरकार ने सुख देना लोगों लंघन वास्ते उन्होंने फर्ज बनता पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी से आमदन से अधिक जायदाद बनाने के आरोप में विजिलेंस कार्यालय में करीब 2.5 घंटे पूछताछ की गई। यह पूछताछ उनकी जायदाद को लेकर की गई है। पुलिस अधिकारियों की पूछताछ के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सोनी विजिलेंस कार्यालय से बाहर आ गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो चल अचल जायदाद का नोटिस उन्हें मिला था उसका जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे कई चुनाव लड़ चुके हैं और जब 5 वर्ष बाद चुनाव आते हैं तो वे चुनाव कमीशन के पास अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हैं। वहां पर एक एफिडेविट दिया जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनकी है। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है उसकी रिटर्ने वे भरते हैं। वे कानून से चलने वाले आदमी हैं। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा उन्हें एक प्रोफॉर्मा दिया गया है जो उन्होंने भरकर देना है और जो भी पूछताछ उनसे की जाएगी वे उसमें उसका साथ देंगे। इस मौके पर विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर के एसएसपी ने पत्रकारों को बताया कि जो ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ स्रोतों से अधिक चल अचल जायदाद बनाई है उसकी शिकायत आई थी जिसके बारे में उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने एक प्रोफॉर्मा देना होता है जो उन्होंने ले लिया है। 1 सप्ताह बाद उन्हें फिर से बुलाया गया है, उसमें वे अपनी जायदाद का ब्यौरा देंगे जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इत्थे हाजिर होया मैनू नोट्स आया सीगा विजिलेंस वालों, सो अज मैनू बुलाया सीगा। सो जो उन्होंने मैनू पुछया क्योंकि इंक्वायरी जिहड़ी आ एक कह रहे ने जिहड़ी कोई कंप्लेंट आ वो कह रहे ने कि इनकम तो वध जिहड़ी आ प्रॉपर्टी आ, सो अज उहदे बारे मैनू इहनां कोई सवाल भी पुछे सीगे, सो मैं उहदा जवाब भी दित्ता। उहदे नाल नाल जिहड़ी प्रॉपर्टी की गल कर रहे ने वह ऑलरेडी जिहड़ी आ मैं 7-8 इलैक्शन लड़ चुका, हर 5 सालों तो बाद जो इलैक्शन आउंदा वो असी अपनी प्रॉपर्टी डिकलेयर करने हैं, उत्थे एक सर्टिफिकेट जिहड़ा वो दिता जाता एफिडेविट दिता जाता कि मेरी प्रॉपर्टी केड़ी केड़ी है। सो वो हर 5 सालों के बाद मैं उत्थे इलैक्शन कमीशन दी जो गाइडलाइनज मुताबक मैं उत्थे एक एफिडेविट जिहड़ा वो दिना। सो जिहड़ी प्रॉपर्टी उत्थे डिकलेयर कीती आ उही मेरी प्रॉपर्टी अज भी आ। अज जिहड़ी सोनी साहब दे अगेंस्ट दरखास्त दर्ज हो के आई सीगी स्रोता तो वध जायदाद बनाउण दे संबंध विच, उहदे संबंध विच असीं उहनां नूं अज पुछगिछ लई बुलाया सीगा जिहड़े सवेरे 10 वजे इत्थे आए सीगे जिन्हां को प्रॉपर पुछगिछ कीती गई ते जिहदे संबंध विच उहनां नूं असीं परफॉर्मे भर के भरन लई देणे हुंदे आ उह दे दित्ते रिसीव कर ले उहनां ने। हुण असीं उहनां नूं 7 दिन का जिहड़ा टाइम दित्ता वा वी अपने परफॉर्मे भर के देण जो उहनां कोल जायदाद हैगी आ उस देंगे तो उस तो बाद फिर इंक्वायरी जेड़ी है प्रॉपर वेरीफाई होगी तो गाड़ी आगे चलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ना ट्यूशन सेंटर चला पाएंगे और ना ही स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। यदि वे ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच की जाएगी।
और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस मौके पर निर्देशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि निदेशालय में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह ट्यूशन पढ़ने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों के ट्यूशन पढ़ाने पर हिमाचल एजुकेशन कोड के तहत रोक लगाई गई है। निजी स्कूलों के शिक्षक भी बच्चों को ट्यूशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मामला आता है तो नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। केवल सरकारी बल्कि मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के अध्यापक भी ये हमारे एजुकेशन कोड में और इनके जो कंडक्ट रूल्स हैं उसमें भी लिखा है कि कोई भी हमारे टीचिंग स्टाफ या जो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं या दूसरे लोग भी हैं वो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते। पहली बार दूसरा, हमें कुछ शिकायतें बार बार मिल रही थी वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी ट्यूशन पढ़ाने में वो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ें, तो इसलिए उनको सॉर्ट ऑफ एक बार हमने चेतावनी दी है कि इस तरह की बातों में ना उलझें और जो एज़ पर रूल्स एज़ पर नॉर्म्स जो उनका कर्तव्य है उसको निभाएं और ट्यूशंस ना पढ़ाएं। शिरोमणि अकाली दल जालंधर शहरी की एक बैठक जत्थेदार रहसीन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए रॉबिन चौहान को जालंधर शहरी का अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर बूटा सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 14 दिसंबर 2022 को मोगा स्थित विश्वकर्मा भवन में अकाली दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जालंधर जिले से संगते बड़ी संख्या में पहुंचे ताकि आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता पंजाब की भलाई के लिए एकजुट हो सकें। इस मौके पर भाई गुरमीत सिंह, मनजिंदर सिंह, मानव अरोड़ा, गोविंद बजाज, वरुण बजाज, विक्की कुमार, सुशांत, दिनेश शर्मा, बलजीत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज श्रोमणी अकाली दल कीर्ती जालंधर शहरी दी मीटिंग कीती है, जिदे विच रोमन चौहान नूं जालंधर शहरी यूथ विंग का प्रधान थापिया गया, पर उहदे नाल होर भी बहुत सारे साथी आए हैं जिन्हां दा मैं पार्टी च आउण ते धन्नवाद करदा हाँ अते बेनती करदा हाँ कि 14 दसंबर नूं श्रोमणी अकाली दल दा स्थापना दिवस मोगे मनाउणा है। सारी संगत जलंधर दी 14 दसंबर नूं मोगे पहुँचण, और फिर मैं चाहूँगा कि भाई रावण चौहान इह सारे जलंधर शहर दी कमांड सांभण। संत डे बोर्डिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडियाला गुरु में वार्षिक समागम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें NRI हरपाल सिंह, गुरमीत सिंह चीमा और प्रिंसिपल पलविंदर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर स्कूल प्रेसिडेंट अमोलक सिंह ने बताया कि इस समागम में विशेष तौर पर धार्मिक आर्ट और पंजाबी सभ्याचार की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर स्कूल में लगी अलग अलग प्रदर्शनियों को देखकर आए हुए मेहमानों ने प्रिंसिपल हरजीत कौर की प्रशंसा की। इस मौके पर पढ़ाई में अव्वल आने वाले छात्रों को मुख्य मेहमान की ओर से इनाम भी वितरित किए गए। वहीं बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावकों को LED, जूसर, मिक्सर, इंडक्शन आदि अन्य सामान भी इनाम के तौर पर दिए गए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। डे 2022 खेड मेला स्कूल के संत डे बोर्डिंग सीनियर सैकेंडरी स्कूल जंडियाला गुरु के मनाया जा रहा वा। ये सारे पेरेंट्स सहयोगी ने और वक्रे वक्रे एंगल तो क्राफ्ट एंड आर्ट ते पुरातन जड़िया अपने चीज़ा दिया जिदा खूह होया जा उन्हां सारी चीज़ों तो जाणू भूरे ते बहुत कुछ इतने स्कूल दे विच लाया गया वा वक्रे तौर पर कि जिहड़ा आने वाले समय दे विच बच्चियां नूं लोड़ भी आ और ये पढ़ाई का एक भाग आ। ये नाल साल दे विच एक वारी स्कूल नूं करवाउणा जरूरी भी हुंदा वा।
माँ अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद जालंधर में अन्नपूर्णा जयंती महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आचार्य शिव कुमार शास्त्री 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। यह जानकारी मंदिर के प्रधान भारत भूषण ज्योति ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 7 दिसंबर को है। इसे धूमधाम से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 1 दिसंबर को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि आसपास के मोहल्लों से होती हुई वापस अन्नपूर्णा मंदिर में आकर संपन्न होगी। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक कथा होगी। पहले दिन भागवत महात्म्य और परीक्षित चरित्र की कथा होगी। वहीं कथा का समापन 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अन्नपूर्णा जयंती दे मौके पर अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद जलंधर विच भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा 1 तरीक तो शुरू होएगी, सवेरे 10 बजे कलश यात्रा कढ़ी जाएगी, शाम को 3 तो 6 बजे तक भागवत कथा होएगी। एक कथा 7 तरीक तक चलेगी। 7 तरीक नूं दोपहर 12 बजे पूर्णा होती तो बाद भंडारा होएगा, उस तो बाद एक कथा का समापन हो जाएगा। 7 तरीक नूं ही अन्नपूर्णा जयंती है। सारे भक्तों नूं हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भागवत कथा दे विच पहुँच के भागवत कथा रसपान करन और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करन। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विन्नी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सचिव बीएम अरोड़ा, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। डर तो मंगने दी और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा के थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक ट्राला चालक का अपहरण करने के आरोप में 3 सैनिकों को किया गिरफ्तार। CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 25 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर के गांव रेरू के नजदीक एक बेकाबू कार ट्रक से टकराने के बाद फुटपाथ पर बनी रेलिंग से टकराई, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।